दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में अलहदा से आते हैं, इकट्ठे कभी नहीं आए ना आएंगे, और वो टॉपिक्स हैं डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके, आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। जी हाँ, अगर आप इनसे प्रीवियस लेक्चर कौन से, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रोडक्शन कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके वो लेक्चर्स पहले जरूर देख लीजिए। और इस लेक्चर से पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप को अच्छे से जान चुके हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, कैसे चार्ज को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जाता है। जी हाँ, यहाँ हमने चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज करना है, इसलिए इससे प्रीवियस लेक्चर चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक आपने लेक्चर जरूर देखना है, ताकि इस लेक्चर की इन दो टॉपिक्स की अच्छे से समझ आए कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल किया गया है इन दो पर्पसेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जैसे प्रीवियस लेक्चर्स आपके लिए हलवा, प्रीवियस टॉपिक्स आपके लिए हलवा और मजेदार और डिलीशियस और आसान बना दिए गए, आज भी इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा टारगेट होगा डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। हम अगर जानना चाहते हैं किसी बॉडी के ऊपर टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है, टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही तो चार्ज की टाइप्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप किसी बॉडी पर, मार्कर पर, हाथ पर, बॉडी पर, किसी भी चीज पर आप जानना चाहते हैं कौन सा चार्ज है, आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो किस तरह से पता चलेगा, सबसे पहला हमारा टारगेट यही होगा। सबसे पहले इस मकसद के लिए आपको चार्ज चाहिए, आपको एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए। और इलेक्ट्रोस्कोप कैसे चार्ज दिया जाएगा, यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज कैसे ले जाया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं, इसमें से नेगेटिव चार्जेस निकालिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप के पास कौन सा चार्ज रहने दिया, पॉजिटिव चार्ज रहने दिया। तो हम इस मकसद के लिए टाइप ऑफ चार्ज मालूम करने के लिए, किसी बॉडी पर टाइप ऑफ चार्ज मालूम करने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ कौन सा कर रहे हैं, पॉजिटिवली, जी हाँ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, माइनॉरिटी के अंदर फ्यू नेगेटिव चार्जेस हैं जो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं निकल रहे, इसमें से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे हमारे आज के टारगेट के लिए, हमारे आज के मकसद के लिए, जो कि है किसी बॉडी पर टाइप ऑफ चार्ज पता चलाना। लीजिए, हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। अब देखिए, ये आपको पता है ये आपके पास डिस्क है, सिल्वर की डिस्क है, ये सिल्वर का रॉड है, इसी तरह से आपके पास गोल्ड के लीव्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल से जान चुके हैं, ग्लास का ये आपके पास एक ग्लास का ये वेसल है जिसके अंदर ये सब कुछ है, और यहाँ पे इंसुलेटर है ताकि बाहर से इसे डिटेक्ट रखा जाए, कोई हवा कोई चीज डिस्टर्ब ना करे, ये सारी कंस्ट्रक्शन तो आप जान चुके हैं। अब जब मैं, अब आप देख सकते हैं इसके लीव्स डाइवर्ज्ड है, यानी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डिस्क पर भी पॉजिटिव, रॉड पर भी पॉजिटिव, लीव्स पर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका मतलब हर जगह मौजूद है, सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो नॉर्मल हालत में चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसा दिखेगा, इसके लीव्स थोड़े से, इसके पत्ते जो लीव्स इसके हैं वो थोड़े डाइवर्ज नजर आएंगे, इस तरह से डाइवर्ज, बिल्कुल ऐसे इसके थोड़े से डाइवर्ज नजर आएंगे। आइए इसको यूज करते हैं और आप अपनी आंखों से देख सकेंगे कि जो बॉडी आप इसके पास लेके आए उस पर कौन सा चार्ज है। फर्ज करें आप जो बॉडी इस पर लेके आए करीब इसके पास, कहां लेके आनी है, इसकी डिस्क के पास। जी हाँ, ये जो इसकी डिस्क है, सिक्के की तरह की जो डिस्क है, इसके पास बॉडी पर लेके आना। मान लेता हूं मैं ब्लू कलर का मार्कर, रगड़ने के बाद, फ्रिक्शन के बाद, ऑफकोर्स फ्रिक्शन के बाद बॉडीज पर चार्ज आ जाता है, इसके पास लेके आए, मुझे कैसे पता चलेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पता चले, मैंने कह दिया कि पॉजिटिव है, निशानी। आप कहेंगे सर कैसे, नजर तो नहीं आ रहा, बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। मैं जब इसके करीब लेके आया, अब आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर रॉड हुआ,
क्या होगा, ये बॉडी जो बॉडी इसके पास लेके आए हैं, इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी जो मुझे शो करेंगी ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, देखिएगा। क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के पास, डिस्क के पास, रॉड के पास, ये जो इसका रॉड है और लीव्स के पास, गोल्ड के लीव्स के पास, सबके पास पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव को पॉजिटिव देख के भागेंगे। जी हाँ, लाइट चार्ज इज रिपेलिंग ईच अदर। पूरी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव चार्ज बाहर आने वाले पॉजिटिव चार्ज को देखकर भागेंगे। इसका मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाएंगे। तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? ऑफ कोर्स उनके लिए आखिरी ऑप्शन कौन सी है, इनके पास आखिरी ऑप्शन ये गोल्ड, जो आप किसी और मटेरियल के भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोस्कोप में ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जाएंगे। जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज करीब वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भागेंगे तो मुझे बताइए क्या नजर आएगा आपको, देखने पर इलेक्ट्रोस्कोप में क्या चेंजिंग नजर आएगी। आप देखेंगे अपनी आंखों से जो गोल्ड लीफ ऐसे थे डाइवर्ज हुए पॉजिटिव चार्ज के करीब आने से, डिस्क के करीब आने से क्या होगा, ये लीव्स मजीद पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएंगे, नतीजा ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो डिस्क पर थे, रॉड पे थे, सारे भागम भाग भागम भाग भाग के सारे कहां ट्रांसफर हो गए, लीव्स पर, पत्तों पर, सोने के उराक पर। तो क्या हुआ, ये डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि यहां भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यहां भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो लाइट चार्जेस मैग्नीट्यूड बढ़ गई, कीमत बढ़ गई चार्जेस की, तो ये ज्यादा रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो डाइवर्जेंस जो पहले ऐसे थी, थोड़े पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब सारे इलेक्ट्रोस्कोप के चार्जेस पॉजिटिव यहाँ आ गए, क्योंकि बॉडी पास जो आई है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सारे यहाँ आने से डाइवर्जेंस आपकी आंखों के सामने आपको नजर आएगा, लीव्स डाइवर्ज करेंगे, फैलेंगे अपनी एक्चुअल पोजिशन से, जितनी उनकी डाइवर्जेंस पहले थी उससे कहीं ज्यादा हो चुकी होगी, डाइवर्जेंस इंक्रीजिंग। ये निशानी है कि आप डिस्क के पास जो बॉडी लेके आए हो, ये ब्लू कलर का मार्कर जो मैं इसके पास लेके आया था, दिस इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, टाइम ऑफ चार्ज पता चल गया। कैसे पता चली, इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए, नॉर्मल इलेक्ट्रोस्कोप नहीं, एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। जी हाँ, अब बताइए नेगेटिव चार्ज अगर मैं कहूं, मैं क्लेम करता हूं इस पे अब नेगेटिव है, आप कहेंगे सर कैसे, साबित कीजिए, मैं कहा आओ साबित करता हूं। जी हाँ, मैंने कहा लाओ वही इलेक्ट्रोस्कोप लेके आओ जिस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। आपने कहा सर जी आ गया, ये लीजिए। मैं कहा ये देखो, मैं इसके डिस्क के पास इसको लेके आया, मैंने क्लेम किया है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब की बार मैंने कहा, मैंने किसी और कपड़े से, मैं अपने इस कोट के साथ रब करके आ रहा हूं, ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पैदा होगा। मैंने कहा नेगेटिव चार्ज है, तो आपने मुझसे सबूत मांगा, तो मैंने कहा चलो इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके चलते हैं, वो फैसला करेगा, वो हमें बताएगा। आपने कहा सजी देख लेते आइए। जी हाँ, जब आप नेगेटिव चार्ज ये मार्कर इसके पास लेके गए तो क्या चेंजिंग्स आएंगी, जिससे मैं सच्चा साबित होगा, मेरा क्लेम बिल्कुल सही साबित होगा। क्या सबूत है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास जाएगी, क्या रद्दोबदल हो गया, क्या चेंजिंग्स होगी बताइए। इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को देखकर गोल्ड लीव के ऊपर, रॉड के ऊपर, डिस्क के ऊपर मौजूद सारे पॉजिटिव चार्ज भागेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव बॉडी को देखने की देर है सॉरी बॉडी पर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोस्कोप पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में थे, बहुत ज्यादा थे, फ्यू नेगेटिव चार्ज थे, सारे पॉजिटिव चार्ज भागेंगे। अब सारे तो यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ यहाँ बचेंगे, जो इक्का दुक्का हजारों लाखों, कुछ कुछ से मुराद इतने ज्यादा बचेंगे, फिर भी पॉजिटिव चार्ज भागकर कहां इकट्ठा शुरू होना चाहिए, कहां इकट्ठे होंगे, डिस्क पर इनकी पार्टी होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन्होंने देख लिया है, नेगेटिव चार्ज आपने बॉडी को देखा, सारे इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव चार्ज भाग कर डिस्क पर पहुंच गए। नतीजा पीछे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड, कीमत थोड़ी तादाद में रह गई। तो इसका मतलब आपकी आंखों के सामने जो इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह से डाइवर्स था, नेगेटिवली बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी डिस्क के करीब आने से क्या होगा, उनकी डाइवर्जेंस कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स मतलब डाइवर्जेंस कम हो जाएगी, डाइवर्जेंस डिक्रीज करेगी। आपकी आंखों के सामने जो इस तरह से डाइवर्स थे, अकड़े हुए थे, बड़े अकड़े हुए थे आपस में, जी हाँ इस तरह से आ गए, सुलह कर ली, जी सुलह सफाई होगी, करीब करीब आ गए। क्यों, क्योंकि ये लड़ाई, ये रिपल्शन, ये डाइवर्जेंस तो पॉजिटिव ज्यादा तादाद में होने की वजह से थी, जो मजीद चार्जेस आने से वो फैल गया था। लेकिन जैसे नेगेटिव चार्ज बॉडी आई, उसने सारे पॉजिटिव चार्जेस को डिस्क पर बुला लिया, आए पार्टी करते, सारे पॉजिटिव चार्ज डिस्क पर चले गए, पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी होगी, जो फ्यू बचे उनकी वजह से डाइवर्जेंस थोड़ी होगी, यानी एक्चुअल डाइवर्जेंस से जो लीव डाइवर्ज हुए थे, फैले हुए थे, इस तरह से उनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी।
अकड़ खत्म हो गई इनकी, बड़ी अकड़ थी इनमें। तो मैंने कहा बच्चों सुनाओ, फिर साबित कर दिया, साबित कर दिया ये मार्कर। अब की बार इस पर नेगेटिव रिचार्ज ये मार्कर है। तो आपने कहा जी सर वाकई आपने जैसे अक्सर साबित करते हैं, इस दफा भी आप सच्चे साबित हो, सही कहा आपने, जी हाँ ये मार्कर अब की बार नेगेटिव रिचार्ज है। That is how, इस तरह से हम साबित कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, आंखों के सामने बता सकते हैं किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यूजिंग किसको इस्तेमाल करते हुए? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। आप कहेंगे सर हमेशा पॉजिटिवली यूज होता है, नहीं बेटे आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, फिर आप जानते हैं उलट काम होगा। लेकिन आप हम ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करके इस तरह से टाइप ऑफ चार्ज का पता चलाते हैं। Is it clear? ये long question है. Interestingly, ये long question है. अब आते हैं इसी इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स का कैसे पता चला सकते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? घरों में आपकी इलेक्ट्रिकल आयरन, आपके घर में जो मोटर है, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, तारे हैं, घर के अंदर जो जितनी भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ मोतदिल हैं, एवरेज हैं, कंडक्टर हैं। यहां हीट के कंडक्टर्स की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है किसकी किसके कंडक्ट करने की? करंट के कंडक्ट करने की, जिनमें से करंट गुजर सकता हो, जिसमें चार्जेस गुजर सकते हो, उस कंडक्टर की बात हो रही है। कैसे? इलेक्ट्रोस्कोप, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? रबर। इंसुलेटर क्या है? वुड। इंसुलेटर क्या है? प्लास्टिक। जी हाँ, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, लेकिन मैं कंडक्टर हूं। ये सामने जो कैमरा है, जो जिसकी प्लास्टिक है, दैट इज इंसुलेटर। ठीक है, कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं प्लास्टिक की है तो इंसुलेटर, लकड़ी की है तो इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और कंडक्टर जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो कैसे चेक करूं? इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बताएगा कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है? मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोस्कोप के पास, कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप, फिर से कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप यूज करना है? पॉजिटिवली आप सही तरह से लिखेंगे, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आप यूज करिए। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यानी जिसमें से हमने नेगेटिव चार्ज सारा निकाला हुआ है, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप के इस रॉड पर, डिस्क पर और लीव्स पर। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ फ्यू नेगेटिव चार्ज बचे, जो कि ऑफकोर्स रहेंगे हर हाल में। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर मैं इंसुलेटर को लेके आऊँ, ये है इंसुलेटर, इसके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव न्यूट्रल है, एक्सेस इस पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तादाद में नहीं है, रगड़ो तो चार्ज जाता है, अदरवाइज इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा तादाद में नहीं है, वो कंडक्टर्स के पास होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास ज्यादा होते हैं। जी हाँ, इंसुलेटर को जब लेके आऊंगा तो भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो करंट गुजरने का बायस बन सके। तो क्या होगा? जिस तरह से लीव्स, गोल्ड लीव, जिस तरह से हैं गोल्ड के पत्ते, गोल्ड के जो आपके पास ये हैं, जिस तरह से हैं उस तरह से ही रहेंगे। इसका मतलब ना डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी, ना डाइवर्जेंस कोलैप्स करेगी, बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी। जिस तरह की ये लीफ है, अपने उस इंसुलेटर के करीब आने से इनकी सेहत पर असर ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल से असर नहीं पड़ेगा, वैसे के वैसे रहेंगे। क्या क्या है बच्चों? बिल्कुल भी इनकी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला इंसुलेटर के करीब आने पर, डिस्क के करीब आया इंसुलेटर, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो कैसे पता चला कोई चार्ज नहीं? आपकी आंखों के सामने मार्कर करीब लाया, सेहत पे असर ही कोई नहीं। अब आते हैं कैसे पता चलेगा कंडक्टर है। लोहे की तार, कॉपर, सिल्वर, स्टील, इसको जब करीब लेके आऊंगा, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा? इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन कंडक्टर्स की खूबी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। अब वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अब जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, एक्सेस है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बिल्कुल वही काम जो यहाँ इस बॉडी ने किया था, इस इलेक्ट्रोस्कोप जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्क पर इकट्ठा कर लिया। आपकी आंखों के सामने जो इसके लीव्स हैं, गोल्ड लीव, इनकी डाइवर्जेंस कोलैप्स कर जाएगी। डाइवर्ज जैसे हुए थे, ऐसे ही जैसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी को करीब लाने से हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही कंडक्टर्स जब करीब आएंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स, पत्तों की, उनकी लीव्स की डाइवर्जेंस कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि यहां मौजूद पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, कंडक्टर को करीब आने पर, कंडक्टर्स को देखने पर क्या करेंगे?
डिस्क पर भागेंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज जैसा पार्टी और ये वहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे और पीछे फ्यू जो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे वो इतनी ज्यादा डाइवर्जेंस पैदा नहीं कर सकेंगे। तो डाइवर्जेंस जो थी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास वो कलेप्स कर गई, ये निशानी है। तो जो बॉडी आप करीब लेके आए हो दैट इज अ कंडक्टर विच इज हाईली नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये था हमारा टॉपिक्स जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया कैसे आप टाइप ऑफ चार्ज का पता चला सकते हो, चार्ज की टाइप का पता चला सकते हो यूजिंग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, और किस तरह से आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर में तमीज कर सकते हो, फर्क कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो यूजिंग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करके कंडक्टर्स और इंसुलेटर में कैसे फर्क किया जा सकता है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से, ये बोर्ड में सवाल आता है और आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और आपकी मिसकंसेप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी, मिसकंसेप्शंस दूर हो चुकी होंगी और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मजीद इस तरह के टॉपिक्स के लिए चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी आरा जरूर दीजिए और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।